नमस्कार दोस्तों, आज के लेख का शीर्षक है पेपर पॉल्यूशन। आज चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस डर, चिंता और चर्चा के कारण मानव मात्र का तापमान भी कितना बढ़ चुका है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश सब प्रदूषित हो चुके हैं। सब तरह के पॉल्यूशन पर विश्व के बड़े बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं, पर कुछ पॉल्यूशन जो सबसे गंभीर पॉल्यूशन है, उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, और वो है पेपर पॉल्यूशन। सुबह सुबह जो पॉल्यूशन अखबार के माध्यम से हम सभी के घर आता है, उसकी बात कोई नहीं करता। पेपर पॉल्यूशन का एक और रूप पुस्तकों के माध्यम से भी आता है। अनर्गल पुस्तकों का भंडार पूरे विश्व में है। अनुमानतः 4 पुस्तकों के छापने में एक पेड़ का बलिदान भी मान लिया जाए तो करोड़ों पेड़ तो ये लेखक खा चुके हैं। मेरे एक परिचित की 30 वर्ष की अल्प आयु में 100 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी 25 पेड़ों की हत्या तो वो अकेला कर चुका है। पृथ्वी के पर्यावरण पर तो ये सीधा असर नजर आ ही रहा है, लेकिन जो तिरछा असर है वो और भी ज्यादा भयावह है। ऐसी पुस्तकें पढ़कर मनुष्य के मस्तिष्क पर जो असर पड़ता है और उससे जो प्रदूषण फैलता है, उसकी कल्पना से ही आत्मा कपकपा जाती है। ऐसी पुस्तकें पढ़कर जो खींच, जो गुस्सा और यहां तक कि खुद की हत्या करने तक का जो विचार आता है, उस प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं होती। कुछ पुस्तकें इस होड़ में भी तैयार की जाती हैं कि उसकी किताबें मेरी किताबों से ज्यादा क्यों। 10 पुस्तकें एक साथ रखो, कटिंग पेस्टिंग करो, 11वीं पुस्तक तैयार। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, जीवन जीने की कला, तनाव रहित जीवन कैसे जिए, ऐसी पुस्तकों की भरमार है। और पाठक तनाव से मरा जा रहा है कि कौन सी खरीदे। ये लेखक लोगों को सफल बनाने पर भी तुले हैं। सफलता का मूल मंत्र, सफल कैसे बने, सफलता का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की सफलता, मैनेजमेंट गुरु सुग्रीव, मैनेजमेंट गुरु विभीषण, ना जाने कहां कहां से सामग्री मैनेज करके ये लेखक पाठकों को MBA कराने पर तुले हैं। पाठक मैनेजमेंट सीखे ना सीखे, पर अपने बायोडेटा में लेखक एक और किताब तो मैनेज कर ही लेता है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का तनाव झेल रहे पाठक को हंसाने के लिए सैकड़ों चुटकुलों की किताब पटरियों पर पड़ी है, लेकिन पाठक उन्हें सड़े खरबूजे की तरह सूंघ कर चला जाता है। मोबाइल के इस युग में सैकड़ों पुस्तकें SMS की आ गई। उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा। पहले प्रेमी बहुत मेहनत करके एक प्रेम पत्र लिखता था, फिर उसकी फोटो स्टेट करा के कई जगह ट्राई करता था। अब तो मोबाइल पर आई लव यू टाइप किया, वो भी पुरानी ILY और एक साथ 35 को सेंट। एक लड़की के पास साल में इतने प्यार भरे मैसेज आते हैं कि वो साल में कम से कम एक किताब की लेखिका तो आसानी से बन सकती है। एक अन्य लेखक हैं जिनकी सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लहसुन के लाभ, अदरक के आनंद, फलों के फायदे वगैरह वगैरह। अब पाठकों को कौन समझाए कि इनके लाभ पढ़ने से नहीं बल्कि खाने से मिलते हैं। गुणकारी करेला की कड़वाहट किसी को गुणकारी हो या ना हो, पर लेखक प्रकाशक को तो मिठास मिल ही जाती है। कोरोना के कारण पिछले 100 दिनों से ये लेखक घर पर हैं। सोचो कितनी पुस्तकों की बाढ़ आने वाली है। बाढ़ से ध्यान आया, एक और थोक लेखक हैं, उनका तर्क यह है कि कल जो प्रलय या बाढ़ आएगी सब कुछ डूब जाएगा, और जिनकी पुस्तकें कम हैं वे तो डूब ही जाएंगी, पर जो पुस्तकों के मामले में शतक वीर हैं, उनकी एक दो पुस्तकें भी बच गई तो भविष्य में लेखक तो वे ही कहलाएंगे।
संभवतः वह भूल गए कि पुस्तकों की इस बाढ़ में तीन कहानियों वाले गुलेरी जी अभी तक जीवित हैं, पर इनका कहीं अता पता नहीं। आप सोच रहे होंगे कि तीन पेज तो मैंने भी खर्च किए, तो इसके लिए मैं पेड़ की एक टहनी खर्च करने के लिए पेड़ से क्षमा प्रार्थी हूँ।